हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सीवी। अगर आप ये सोचते हो कि क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के लिए, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट के लिए या ETMF स्पेशलिस्ट के लिए या रेगुलेटरी अफेयर में जॉब एंटर करने के लिए फ्रेशर एक जैसा ही सीवी बनाएंगे तो उनका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। ये सभी जॉब रोल के प्रोफेशनल स्किल्स अलग अलग है, तो आपको हर एक सीवी में, मतलब हर एक डिजिग्नेशन के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो उनके प्रोफेशनल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। आपका सीवी अलग अलग होना चाहिए और हर बार, जितनी बार भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उस कंपनी के अकॉर्डिंग आपको आपका सीवी अपडेट करना पड़ेगा। आप अगर सीवी के साथ कवर लेटर देते हो और कवर लेटर में आपका शॉर्ट समरी डालते हो और किस तरह से आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में आपका क्या रोल रहेगा, ये अगर अच्छे से उस शॉर्ट समरी में एक्सप्लेन करते हो या ये दिखाते हो कि आप जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आपको जॉब लगने के 101% चांसेस है। तो सीवी ये आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। कभी भी आपको दूसरों का सीवी देख के उसको टोपो नहीं मारना है। आपसे पहले आपका सीवी जाने वाला है और आप अगर उस सीवी में अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाते हो तो आपके लिए फिर इस इंडस्ट्री में जॉब की कोई कमी नहीं रहेगी।